कल रात रुके थे हम लोग गोविंद घाट पे, वही बद्रेस होटल पे। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस लिखी हुई है देखिए, घगरिया 13 किलोमीटर है, फुलो की घाटी 17 किलोमीटर, हेमकुंड साहिब 19 किलोमीटर और ऋषिकेश यहाँ से है 270 किलोमीटर। तो हम लोग जब आए थे तो यहाँ गोविंद घाट आकर रुके थे, उसके बाद हम लोग गए थे वैली ऑफ फ्लावर। अब एक्चुअली क्या हुआ कि बारिश 2-3 दिन लगातार थी, तो इसलिए हम हेमकुंड साहिब जा नहीं पाए। कल शाम में हमारा प्लान था जोशीमठ जाने का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आगे लैंडस्लाइड हुई है, अभी गाड़ियाँ चल नहीं रही हैं। मे बी वो बोले थे कि रोड 10 बजे तक खुले, अभी मॉर्निंग के 6 बजे हुए हैं। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो आज फिलहाल हमको जाना है गोविंद घाट से पूरा द्वारहाट तक। अब लेकिन रोड की कंडीशन पिछले 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो उस रोड की कंडीशन के हिसाब से अभी तक हम लोग मतलब वहाँ पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे क्या रहेगा। बीच में को जोशीमठ में एक मंदिर है बहुत खूबसूरत, वो मंदिर में भी हमको जाना है, वो मंदिर भी इस वाइब ब्लॉग में आएगा, लेकिन पहले यहाँ से निकलें तब जाके वो ब्लॉग मतलब मंदिर आएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पर मॉर्निंग में बहुत सारे लोग खड़े हैं, मैं नहा धो के तैयार हो गया हूँ, तो वो लोग खड़े हुए हैं। और अभी तक ऊपर से एक बस आती है बद्रीनाथ साइड से, तो वो बस इनकी अभी तक आई नहीं हुई है। और मे बी पुलिस वालों ने कल रात यहाँ बैरिकेडिंग लगाई थी, बैरिकेडिंग खोली हुई है। मोस्टली देखिए कल जितने लोग थे आए हुए कांवड़ वाले, उन सब लोगों ने बाइक यहाँ पर खड़ी की हुई है। तो हम लोग यहाँ होते बद्रीस में रुके हुए थे। तो ये है अभी का नज़ारा, साथ में 3 लोग और मिल गए हैं, वो लोग भी द्वारहाट के रहने वाले हैं, तो वो लोग भी हमारे साथ जाएंगे। और साथ में अजीत अभी तैयार हो रहा है, वो आता है तो गाड़ी पैक करते हैं, फिर देखते हैं आज हम जा पाएंगे या पहुंच पाएंगे नहीं, और रोड की कंडीशन क्या रहेगी। पूरा रास्ते में ब्लॉग देखना, हमारा मज़ा आने वाला है। और लास्ट तक देखना, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिल सामने अभी हल्का हल्की छिटपुट बारिश अभी भी हो रही है, लेकिन सामने का नज़ारा कुछ अच्छा है। यहाँ पर बादल थोड़ा खाली है, लेकिन हिमालय की एक रेंज दिखाई दे रही है, उसके पीछे भी एक छोटी रेंज दिखाई दे रही है। तो हम लोग गए थे होटल बद्रीस में, तो ऐसा कुछ है यहाँ का नज़ारा, मैंने इससे पर व्यू पॉइंट के लिए आपको दिखा रहा था। ये मतलब यहाँ से कितना प्यारा दिख रहा है, अगर यहाँ बर्फ़ गिरती हुई तो पूरा वाला पहाड़ कितना प्यारा दिखता होगा। इस बार बर्फ़बारी मई में बहुत हुई है, तो बर्फ़ बहुत देता है, क्योंकि पेड़ पहाड़ पर बर्फ़ इतने अंदर रहती नहीं है। तो हम वही निकल गए यहाँ से गोविंद घाट से, अभी आगे जेसीबी गई हुई है, एक मोटरसाइकिल वाला आया था तो बोल रहा था कि रास्ता थोड़ा बहुत मतलब खुल गया है, आपकी गाड़ी निकल जाएगी। अभी जाके देखते हैं कि क्या हालात है। तो यहाँ पे रास्ता गिरा था, पूरा पहाड़ गिरा हुआ था, तो यहाँ पर जेसीबी सुबह से गीला कर रहा रास्ता, इनको बड़ी जल्दी हो रही थी आगे जाने की, नया नहीं क्या जा रहे इतने आगे, जब की गाड़ी पीछे करनी चाहिए, जहाँ पर लैंडस्लाइड जोन है उससे बहुत पीछे खड़ी करनी चाहिए। अब हॉल में आगे बात भाई की, तो पीछे खड़ी कर दी है। यहाँ पर भी रोड ब्लॉक थी, थोड़ा आगे गए थे तो हमारे साथ क्या हो गया, टायर हो गया हमारा पंचर। अब टायर स्टेपनी लगानेंगे, उसके बाद ही हो पाया कुछ काम। अजीत बाबू मेहनत करते हुए घुमा रहे हैं, देखो क्या होता है, उल्टा घुमा रहे हैं फिलहाल, क्योंकि जहाँ मिट्टी है ना थोड़ी हल्की सी, इसलिए। तो जिस मंदिर की बात मैं आपको कर रहा था, उस मंदिर में हम लोग पहुँच गए हैं, थोड़ा जाम में फंसे थे, लेकिन फिर भी अभी टाइम है, 7:49 हुआ है करीब, तो मंदिर हम लोग आ गए। ये वो मंदिर है, आप देखिए, नरसिंह भगवान का मंदिर। तो है जोशीमठ से सामने का ऐसा नज़ारा, उधर ठीक पीछे यहाँ से नीति मल्लारी गांव है, उधर नंदा देवी पर्वत दिखाई देता है। अभी थोड़ा बादल आ गए तो क्लाउड्स की वजह से थोड़ा हिमालयन व्यू दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं आपको लेके आया था ये नरसिंह भगवान के मंदिर में। आप देख सकते हैं बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है जोशीमठ में। ये खासियत है, पहले नरसिंह भगवान हमारे इष्ट देव होते हैं, और आपने उनकी कथा सुनी है कि उन्होंने प्रहलाद को बचाया था हिंड कर्तव्य से, और उसने नरसिंह अवतार लिया था। तो 6 महीने जो बद्रीनाथ जी की आरती होती है वो होती है नरसिंह भगवान मंदिर में, उनकी टोली यहाँ आती है जब बद्रीनाथ के कपाट बंद जाते हैं, और तब उनकी पूजा यहाँ होती है। तो दोनों मंदिरों का एक महत्व है, हम लोग बद्रीनाथ जी यहाँ पर आए, तो हम लोग आए थे नरसिंह भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पर। सुबह आप 7 बजे आइए और बहुत अच्छी आरती होती है, आरती देखिए तो आपको आपकी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी यहाँ पर आके। नाश्ता करने के बाद, मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए ऑन द वे
सामने से गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, जो भी आ रही है लोकल वाली गाड़ी आ रही है। बारिश चली रही है, रिमझिम रिमझिम हल्की हल्की, और रोड कंडीशन ऐसी है। देखिए जोशीमठ से अभी हेलंग करीब 10 किलोमीटर बचा हुआ है और ऐसी कंडीशन है रोड की, पूरे हफ्ते भर की वार लगी पड़ी है। हमको भी कहीं गाड़ी का टायर भी सही करवाना है क्योंकि इस टाइम नहीं जरूरी है इसलिए। तो ये देखिए बाकी बरसात के टाइम पे पहाड़ पे आना थोड़ा रिस्की है। अब हम पहाड़ियों को भी अब ये एहसास हो रहा है धीरे धीरे। जोशीमठ से वाला अभी तक 10-12 किलोमीटर चले हैं, रोड की कंडीशन ऐसी है, देख रहे हो ये इतना बुरा हाल है रोड का। सामने से कोई गाड़ी आ भी नहीं रही है, अभी भी मुझे लगता है कि कहीं रास्ता जाम है, जो भी जा रही है इधर से जा रही है, उधर से कोई गाड़ी नहीं आ रही है। बीच में हमको 2-3 बस दिखी थी लेकिन वो कहीं बीच में आगे लैंड साइड था, वो रात में वहाँ फंसे हुए थे। तो वो वाला रोड सुबह सुबह क्लियर हुआ है, तो यहाँ पर ना कोई JCB दिखाई दे रहा है ना कुछ दिखाई दे रहा है। मतलब रोड की कंडीशन तो है काफ़ी ही बेकार, इतनी बुरी कंडीशन है, गाड़ी भी नहीं चल रही तेज, और अब तो डर भी लगने लग गया। आपको घर वाले अलग से फ़ोन कर रहे हैं, इधर बाढ़ आ गई उधर बाढ़ आ गई, इस चक्कर में। और मे भी क्या है कि बड़े बड़े पत्थर बीच बीच रोड पे आ जा रहे हैं, तो गाड़ी लगने का भी डर है इस रास्ते में। तो साइड है शायद आगे चमोली में, जैसे मैं लग रहा था, तो यहाँ पर बहुत लंबा किलोमीटर लंबा जाम है, न जाने कितना लंबा जाम है। हम लोग बहुत पीछे रखे, वो ऊपर आपको वहाँ पर गोपेश्वर दिखाई देगा थोड़ा, इस पर वो आ गया है शीशे पे, साफ करता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। ये वो देखिए, ये गोपेश्वर है सामने, ये इसके ठीक सामने चमोली है। तो यहीं पर एक लैंड साइड रोड बनाता है चमोली से पहले भी और चमोली के बाद भी। तो यहाँ पर जाम में फंसे हुए हम लोग, करीब 15 मिनट हो गए गाड़ी खड़े हुए, और 1 किलोमीटर लंबा जाम है पूरा। वो जाम धीरे धीरे मतलब खुल गया है, वो वहाँ पर कहीं पर लैंड साइड हुआ था, बाकी भी सोमवार को यहाँ पे पुलिस वाले लगे हुए हैं लाइन पे, रोड को खुलवा रहे हैं अभी। फिर मैं ऊपर से नीचे वालों का नंबर आया हुआ है, अगले चक्कर करेंगे, अभी यहाँ वालों का नंबर नहीं आया हुआ है। गाड़ी वाले जा रखे थोड़ा आगे बढ़ा के, हाँ ललिता बोलो। तो वो वहाँ पे पहाड़ टूटा था, वो उतने हिस्से में पूरा लैंड स्लाइड हुआ था, देखो आप। तो भाई पीछे बात कर रहा है, उसका बिजनेस है तो अपना लगा हुआ है, तो उसकी आवाज़ भी आपको आ रही होगी पीछे पीछे। अभी लैंड स्लाइड जोन दिखाता हूँ आपको, फिर देखते हैं। तो यहाँ पर पूरा लैंड स्लाइड हुआ था, देखो वो वाला पहाड़ पूरा का पूरा नीचे आया था, इस वजह से जाम लगा था। एक जगह पे नहीं, यहाँ पर 3 जगह पे ऐसा हुआ है, 3 जगह पे जाम लगा हुआ है। अभी पत्थर आ रहे हैं हल्के हल्के, तो पुलिस वाले वहाँ पर पहले रोक रहे हैं लोगों को, और उसके बाद आगे जाने दे रहे हैं। उससे ये वाला जो था तीसरा वाला था, यहाँ पर बहुत भयंकर होती है स्थिति, एकदम से गड्ढे हो रहे हैं, गाड़ी लगने का भी काफ़ी डर है, और मेरी तो हालत भी ख़राब है काफ़ी। तो यहाँ पे बिल्कुल मोड़ पे खड़े हैं पुलिस वाले, यहाँ पर नीचे वालों को भी रोका गया है, देखो यहाँ पर से अब कुछ देर बाद ऊपर वालों को रोक देंगे ऐसे करके लाइन वाइज। यहाँ जाम झेलने के बाद पहुंच गए कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग ब्रिज से हम निकल रहे हैं, है ना। तो यहाँ से नीचे नदी है, इसके नीचे संगम है, पिंडर और अलकनंदा का, दो नदियों का संगम है, और यहाँ कर्ण जी का मंदिर है, एकमात्र कर्ण जी का मंदिर है जो वो है कर्णप्रयाग। तो यहाँ से हम लोग अब यहाँ से पहले उस साइड में तो जाम लगा था उस रोड पर, तो हम लोग ने रास्ता इधर से ले लिया, ऋषिकेश वाले रास्ते में आए हैं,
यहाँ से एक कट अल्मोड़ा वाले को कट जाएगा, तो वहाँ से हम अल्मोड़ा वाले रोड पे निकल जाएंगे। सामने पहाड़ियों का नज़ारा ऐसा है कुछ है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा था, हम लोग रुके थे यहाँ पे थोड़े चाय पीने के लिए। और सामने पहाड़ी में देखो बड़े बादल हैं, अभी थोड़ी बारिश रुकी हुई हल्की हल्की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तोफ सेम गांव गैरसैंड अल्मोड़ा। तो तोफ सेम गांव यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर है, वहाँ से रोड जा रही है। तो ये गाँव काफ़ी खूबसूरत है, बहुत टॉप पर है 2 किलोमीटर ऊपर। तो भैया बता रहे थे कि बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं, तोप लोग मतलब, वो तोप है और सैम है मतलब सैम वाले लोग सोए रहते हैं, ऐसा कुछ बता रहे थे। लेकिन जहाँ तक मेरे को पता है कि ये लोग शायद अंग रख सकते हैं माँ पार्वती के, अगर नंदा देवी यात्रा का चौथा पड़ाव ये गांव पड़ता है, तोप सैम गांव। एक दिन तोप गांव में वो उनकी डोली रुकती है, एक दिन सैम गांव में रुकती है, नोटी गांव से स्टार्ट होती है। तो ऐसे कुछ पड़ाव रहते हैं, ऐसे कहते रहते वो लोग जाते हैं आपके पूरे बाण गांव, फिर उसका रूपकुंड, ऐसे कुछ यात्रा होती है नंदा देवी यात्रा की। अब 2026 में होगी शायद, और मौका मिलेगा तो हम भी जाएंगे। तो यहाँ से अभी अल्मोड़ा 153 किलोमीटर है, गैरसैंड 34 किलोमीटर है, जो प्रस्तावित राजधानी थी उत्तराखंड की, लेकिन अभी तक बनी नहीं। तो वहाँ पर मतलब ग्रीष्मकालीन राजधानी है, लेकिन अभी तक मतलब वो पूर्ण रूप से बनी नहीं है। हम भी चाहते हैं कि जल्दी राजधानी बन जाए गैरसैंड। तो ये है अभी का नज़ारा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विधान भवन उत्तराखंड, ये लिखा हुआ नैनीताल 155 किलोमीटर है, रामनगर 172, भराड़ी सैंड 4 किलोमीटर। जो भराड़ी सैंड है तो वो इस रोड से हम लोग बद्रीनाथ है, ये हाईवे है जो जाएगा आपका यहाँ से रानीखेत कर्णप्रयाग में। और यहाँ से जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है भराड़ी सैंड, जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी। एक्चुअली लोग सोचते हैं गैरसैंड है, नहीं, गैरसैंड से 12 किलोमीटर दूर ऊपर टॉप में ही मतलब बनाई गई है ग्रीष्मकालीन राजधानी, जहाँ पर मतलब ग्रीष्मकाल में काम होता है। तो यहाँ से 4 किलोमीटर है, तो हम लोग रुके हैं वही आज तक आंटी के यहाँ चने खाए थे, तो आंटी के यहाँ अभी खा रहे हैं खाना। दिन में हम लोग निकले थे सुबह मॉर्निंग में 7 बजे, 3 बज चुके हैं, तो हमने पूरे अपने जितने भी लैंड स्लाइड थे वो सब कवर कर लिए, अभी रोड हमको मिलेगा क्लियर। तो भाई लोग भी बैठे हुए हैं आराम से, तो गाड़ी को चेक कर लेता हूँ, सुबह गाड़ी का टायर पंचर हो गया था एक, अभी स्टेपनी वापस बनवानी है, अभी वो बनवाई नहीं हमने।
तो अभी लिया है एक छोटा सा ब्रेक, सुसू ब्रेक जिसे बोलते हैं, तो वाला ब्रेक लिया है। तो यहाँ पर देखो गाँव का परिवेश कितना प्यारा है, नीचे बहुत प्यारे प्यारे खेत हैं नीचे, और लोगों ने धान लगाए हुए हैं। ऊपर आसमान में अभी भी कोहरा लगा हुआ है, हल्का हल्का बादल आए हुए हैं। नीचे शायद बाघ आया हुआ है, लोग उसे भगा रहे हैं, ऐसी आवाज़ आ रही है। कल से मतलब जो 30 किलोमीटर हम लोग चले हैं वैली ऑफ फ्लावर से लेके फिर घगरिया, घगरिया से भी गोविंद घाट, तो अब इतना तो जाके एहसास नहीं होता, लेकिन अब थाइज में होने लग गया है पेन बहुत ज़्यादा। तो मेरे पीछे ठीक माँ देवनागरी है, तो माँ देवनागरी के आशीर्वाद से अपनी यात्रा सफल करके मैं आ गया अपने गांव, गाड़ी पार्किंग में खड़ी कि वो तीन भाई लोगों को उतारा द्वारहाट बाज़ार में, और अजीत को भी उतारा द्वारहाट में, वो अपने घर चला गया। हम लोग रहते हैं गांव में, अजीत भाई रहते हैं नीचे मतलब मार्केट के पास, उन्होंने नया मकान लगा दिया। तो यहाँ भी मतलब बहुत अच्छी खासी बारिश हुई इन दिनों, अभी जो नीचे ये एक गधेरा बहता है, तो वो वाला गधेरा में भी काफ़ी पानी आया हुआ है। सो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, गोविंद घाट से लेके द्वारहाट दोनों के पीछे टॉ आ रहा है तो कॉम्पिटिशन बन गया। तो कमेंट करके जो बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा फैला दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और एक्साइटिंग आने वाला नया ब्लॉग, मतलब काफ़ी खूबसूरत होगा, थोड़ा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के मंदिरों के तहत ये वाला ब्लॉग बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय भूमि, जय उत्तराखंड।